और बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं आपके 94वें जन्मदिन पर आया हूं, इसका आप बदला मुझसे चुकाएं और मेरे 94वें जन्मदिन पर आप जरूर आए। इसी तरह बदला चुकाया जा सकता है। एक बात और बता दूं कि मुझे वरदान मिला हुआ है कि जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद कर दो, आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे। मेरे भरोसे ब्याह करके लाए थे क्या? मर्द के बच्चों तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसाओ, मेरे भरोसे क्या हंसा। अभी भी महाशय जी मैं देख रहा हूं जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठे, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पा रहे, हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते हैं, वो हंसती है तो हंसती। हद हो गई यार दहशत की, जब मैं खड़ा हूं यहां पर तो किस बात की चिंता आपको? देखो ही मत लुगाई की तरफ, हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा? मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, समझ लो। मैं तो आपको टिप्स ही दे सकता हूं। देखो पतियो, ये आपके लायक तो है नहीं, साधु संन्यासियों के मतलब की है ही नहीं, ये आउट ऑफ कोर्स की बात है उनके। एक ही शिक्षा देना चाहते, बच्चे को चुप कर लो, पता ही नहीं लगता कि बच्चा रो रहा है कि पति रो रहा है। क्यों? पति जब घुट घुट करके रोता है तो इसी तरह से आवाज निकलती है। हंसने की बात नहीं, मैंने कई बार अपनी सुनी है ना, मुझे मालूम भैया कैसे निकलते हैं। हाँ ताली बजाओ, हाथ उठाओ। बहन जी रख ले, हाँ, सुनने का आनंद हो जाएगा। हाँ, आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। क्या बात है। एक ही व्यक्ति मुझे इतने सालों में मिला जो काम को धर्म समझता है और धर्म का भी काम करता है। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, बड़ी बात है। वरना लोग सिर्फ धर्म का काम करते हैं लेकिन काम का धर्म नहीं करते। आप दोनों काम करते हो, काम को भी धर्म समझते हो, धर्म का भी काम करते हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। तालियां आप लोग कमजोर बजा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। कितने भी हैं इस 94 साल के, युवा की ताकत थोड़ी है इनकी तालियों के अंदर जो उसमें है। ओशो ने कहा था जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और हकीकत में हंसते आप तब हैं जब किसी की तकलीफ में आप रोना सीख जाते हैं। वाह। अगर किसी की तकलीफ में आपको रोना नहीं आता तो आपको हंसने का हक नहीं दिया किसी ने। बहुत। लेकिन मैं अलग बात कहता हूं, ओशो कहते हैं जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और मैं कहता हूं जब आप किसी को हंसाते हैं तो फिर ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। वाह वाह, बहुत खूब। आप किसी के आंसू पहुंच दीजिए, फिर किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं ईश्वर ही आपके लिए प्रार्थना करता रहेगा। क्या कहना। तो महाशय जी आपने तो इतने लोगों के आंसू पहुंचे हैं कि ईश्वर ही आपके लिए प्रार्थना करता है। हम लोग तो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप पर ईश्वर भरोसा रखता है। वाह वाह, क्या बात है, वाह बहुत बहुत। ईश्वर पर भरोसा रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन ईश्वर आप पर भरोसा रखता नहीं, ये बड़ी बात होती है। उसमें दुख का देश के अंदर निकलता है। मैं टिप्स देना चाहता हूं। देखो पतियो, पतियो जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है।
हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हो गई जो ये हंस रहा है। ये मैं तो आपको टिप्स ही दूंगा बस। और मोबाइल बंद कर दो, कोई स्टेटस थोड़ी है। एक तो इसमें फिल्मी धुन डाल देंगे वो मरवा देगी, कभी मोबाइल में फिल्मी धुन मत डालो। महाशय जी एक आदमी अर्थी को कंधा दे रहा, मोबाइल बज उठा, उसमें धुन पड़ी हुई थी, अकेले अकेले कहां जा रहे हमें साथ ले लो जहां जा रहे, पूरी मुर्दनी फ्लॉप कर दी उसकी उसने सर। मुझे दिल्ली में एक अपनी लुगाई को विदा करा कर ले जा रहा, मोबाइल बज उठा, उसमें धुन पड़ी हुई थी, दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। ये जरूरी जरूरी जानकारी देनी पड़ती है। मैं तो आपको बता दूं, महिलाएं बैठी हैं सब, महिलाएं बहुत कठोर होती है, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता लगता है, बेचारे में आवाज ही नहीं होती, बहुत कोमल होता है। मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती, ये भी नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकती, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे, ये महिलाएं इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अंबाड़ा जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करोगे उसको। ये होता है, पुरुष बड़ा कोमल होता है भाई, भाई नेचर से कोमल होते हैं हम, सीधी सी बात है। आप तो सब व्यापार के उसमें हो, इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई नहीं होता, सही बता रहा हूं मैं। अभी दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है, बिगाड़ ले ओबराय क्या बिगाड़ेगा उसका, एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर करके रख दी, नीचे एक लाइन और लिख दी नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया भादरी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकार निपटा दिए उसने। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कर्नाट प्लेस में। अरे मैंने कर्नाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ओडियंस सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियंस सिनेमा के सामने तो कोई भी टिम्बर की दुकान नहीं, बोले वहीं बाहर खड़ा दांतुन बेचता हूं। है तो टिम्बर ही साहब, और जिंदगी में दो पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूं, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है, और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में बरकत नहीं होगी साहब। और ताली इस बात पर चाहिए साहब, काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगते ही तो हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह।
काम से बड़ी पूजा कोई नहीं होती जिसका आपने पालन किया है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जिसका आपके जिंदगी का आपको पढ़ा मैंने, कुछ भी हो जाए, व्यापारी की कमीज मैली रह जाए लेकिन उसका अकाउंट कभी भी मैला नहीं रहना चाहिए जिंदगी भर। अगर व्यापारी वही सफल होता है जो अपना अकाउंट भाई खाता साफ सुथरा रखता है, जो गंदे रखते हैं उनके काम भी पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मतलब हम लोगों का तो एक ही अपराध रहा, हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते, फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही जीत कर आते। अभी तो खैर मोदी जी बन गए हैं, बधाई देता उन्हें, वो हम दोनों ही इंटेलिजेंट हैं, उनके बाद मेरे बाद देश में उन्हीं का नंबर आता है इंटर। बस ये मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि मेरे साथ लुगाई रहती है, वो रोज मुझे तपाती रहती, तो मैं निखरा हुआ सोना हो गया, बस और कोई बात नहीं। उन्होंने भी ऐसी बात कह दी, कोई पकड़ ही नहीं सकता। मैंने भी ऐसी बात कह दी अपनी लुगाई को 40 साल पहले ब्याह वाले दिन, वो भी नहीं पकड़ सकती। भाई ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले, ना तारीख बताई ना सन बताया, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ोगे उसका। मैंने भी अपनी लुगाई से कहा था तुझे प्यार करूंगा, 40 साल हो गए, रोज पूछी भी कब करेगा ये तो बता दे। मोदी जी बुलंदियों पर तो हमने पहुंचा दिया है, टिके रहना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। अभी तो क्या हुआ जी, मैंने 7 नवंबर को नोटबंदी से एक दिन पहले अपनी लुगाई से पूछा कुछ रुपए पड़े हैं क्या, घर में जरूरत है? बोले आपकी कसम घर में जहर खाने को भी पैसे नहीं है। मैंने जरा फिर से देख ले, बोले आपकी माँ की कसम जहर खाने को, ना अपनी खाई ना अपनी माँ की खाई, मेरी माँ की खाई और मेरी खाई। और महाशय जी 7 तारीख को उसने कसम खाई, जहर खाने को पैसे नहीं है, 8 को नोटबंदी होगी और 9 तारीख को इतने रुपए निकल आए कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता था उसने। तब पता लगा लुगाई हमेशा झूठी बोलती है, पति से कभी सत्य नहीं बोलती। अभी तो मुझे राजेश, मैं तो थोड़ी बहुत टिप्स ही दे सकता हूँ जिंदगी में, जी क्योंकि हमारे मुल्क में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती, चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता, मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजा का चेहरा बदलते हैं, वो अपना करैक्टर कोई भी नहीं बदलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बिचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बिचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बिचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। मुसलमान राजा हुआ तो बहुत। और मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, कितने भी अमीर हो जाओ, कभी जिंदगी में किसी गरीब का दिल मत दुखाना। और आपका आशीर्वाद चाहूंगा। और अमेरिका में चले जाइए, सभी भारतीय मिलेंगे आपको, सबरे दुखी मिलेंगे। कोई आकर यही नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। पंक्ति अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा, याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर दे तो हमारी अकड़ भी खत्म हो जाती है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहां नदी और कहां बेचारा कुआं।
लेकिन कुएं का जवाब सुनना अच्छा लगे, कहीं कविता लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआ हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खारे होते हुए चले जाओगे साहब। और व्यापार हो या कोई भी हो साहब, व्यापार में उड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, कितने भी बढ़ लेना आप व्यापार में, खूब तरक्की करना आप, बस एक बात देखते रहना कि तुम्हारे पांव ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। आपके पांव ने जमीन नहीं छोड़ी तो बढ़ पाए, अगर पांव में उड़ने की कोशिश करते तो कभी इस तरक्की को आप हासिल नहीं कर पाते। तब कहना चाहता हूं, ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, बात अच्छी लगे तो समर्थन करना, ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गढ़ा होता है। वाह वाह महाशय जी, आपकी डेप्थ आपकी हाइट है। क्या बात है, वाह। अगर आप में डेप्थ नहीं है तो आपकी ऊंचाई का कोई मतलब नहीं। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गढ़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पतंग की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गढ़ना होता है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी होती है साहब। वाह वाह। और समय की सीमा है इसलिए चार पंक्ति देना चाहता हूं। इस देश की राजनीति कुछ कहे लेकिन हम क्या सोचे, मुल्क हमारा भी है। तब कहना चाहता हूं कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। और जो ताली बची अब इस्तेमाल करना, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, लहू था हिंदू का अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुमने रहो क्या पता हम।